हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल जेटेक अपडेट में। दोस्तों आज जो है ये होंडा एक्टिवा 6G की जो है बेसिस बाइक है और इसे सर्विस हो गई है, और इसमें जो है कितना कास्ट लगा और कितने किलोमीटर पर यह सर्विस हुई है और कितने किलोमीटर अब दोबारा होगी और तिबारा होगी, ये सारी डिटेल्स हम आपको दोस्तों इस वीडियो में बताएंगे। तो यहाँ पर आप पहले देख लीजिए कि कितने किलोमीटर पर इस बाइक को जो है सर्विस किया गया है, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं तो 776 किलोमीटर पर दोस्तों ये सर्विस हुई है। आपको प्रॉपर दिखा तो दोस्तों यहाँ पर हम आपको बताएंगे कि पहली सर्विस और दूसरी सर्विस में कितना खर्चा आएगा और तीसरी सर्विस तक आपको कितने दिन में करवानी है, डिटेल बाय डिटेल। तो पहली सर्विस हम जानना चाहेंगे कि कितने किलोमीटर पर होगी और कितना प्राइस लगता है और क्या क्या होता है। दोस्तों देखिए, पहली सर्विस में जो प्राइस आती है मोबिल का होता है, मोबिल पड़ता है, बाकी सब फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। सब उसमें धुलाई होती है, पॉलिश होती है, सारे नट बोल्ट ढीले हो जाते हैं वो टाइट कराया जाता है, और ब्रेक्स वगैरह जो है वो ढीले हो जाते हैं तो टाइट कराया जाता है, ये सब काम उसमें होते हैं। इनका कहना है पहली सर्विस में उस काम को इंजन ऑयल चेंज होता है, उसके बाद जो है उसके और भी जो उसमें तेल ग्रीस होता है सारी चीज़ें, और उसमें पावर ऑयल पड़ता है। कुल मिला के यहाँ पर 615 रुपये का खर्चा आता है पहली सर्विस में, और उसको 750 से 1000 किलोमीटर पर करवा जाता है। अब जानेंगे हम दूसरी सर्विस कितने किलोमीटर और कितने दिन और कितने रुपए में होती है। दोस्तों दूसरी सर्विस होती है BS6 की, वो 5500 से 6000 किलोमीटर है और 180 दिन पर इसकी वैलिडिटी है। यानी 180 दिन के अंदर आपको 5500 से 6000 किलोमीटर की सर्विस आपको करवानी है, और उसका खर्चा कितना लगता है सर? सेम यानी 615 रुपये भी आपको सेकंड सर्विस लगेगा। और तीसरी सर्विस कितने किलोमीटर पर और कितने दिन में होगी ये दोस्तों जानिए। तीसरी सर्विस होती है 11500 से 12000 किलोमीटर। इसमें कुछ खर्च कास्ट बढ़ सकते हैं, एक्चुअली इसमें एयर फिल्टर का कास्ट बढ़ेगा और प्लग गड़बड़ तब तक वो ख़राब हो सकता है, हो जाता है, तो उस पीरियड में वो बदलना पड़ता है। जो एक प्लग होता है वो 112 रुपये का है और एयर फिल्टर इसका 180 रुपये का है। यानी इनका कहने का मतलब है जब आप तीसरी सर्विस 365 दिन के अंदर एक साल के अंदर जब होती है दोस्तों, तब उस बाइक में जो है कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाता है, जैसा कि ब्रेक्स चेंज करने का हो गया या स्पार्क प्लग, एयर फिल्टर, तो अगर ये आप चेंज करवाते हैं तो इसके एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ सकते हैं। बाकी 615 रुपये ही सर्विस कास्ट आपका पड़ेगा दोस्तों। लेकिन अगर आपके जो एक्सटर्नल पार्ट लगते हैं उसके प्राइस बढ़ जाते हैं, और 365 दिन के अंदर आपको 3 सर्विस फ्री करवानी होती है। और यहाँ पर आप जानिए बेसिक सर्विस में यहाँ पर एजेंसी पर करवाने के क्या फ़ायदे हैं दोस्तों। फ़ायदे ये होते हैं कि आपकी वारंटी बरकरार रहती है, फिर अगर वही काम आप बाहर करवाते हैं तो ये होता है कि बाहर उन लोगों के पास स्पेशल टूल्स नहीं है, वो उनको सर्विस चार्ज के उनको चाहिए होता है, वहाँ के मैकेनिकों का वो आपकी गाड़ी का ध्यान नहीं रखते हैं। अगर उनको लगा कि कोई भी पार्ट आपका गड़बड़ है तो वो लोकल ला के लगा देते हैं, उनको अगर 100-200 रुपया सर्विस चार्ज दोगे तो वो जुगाड़ू काम करके आपको दे देंगे। जब ये होता है कि आप 1-2-3 बार सर्विस करा लेते हैं, जब मेजर फॉल्ट आ जाता है तो वही हाल होता है जिसे PGI में जाना होता है, तब यहाँ आता है तो मुझे पूरा वो जर्नल करना पड़ता है, तो उसमें कास्ट बढ़ जाता है, कस्टमर को वो चीज़ लगती है कि बहुत ज़्यादा हमारा खर्चा हो गया। इनका कहना है कि अगर आप यहाँ पर सर्विस करवाते हैं शोरूम पर, तब आपकी जो वारंटी होती है वो वैलिड रहती है और आपकी बाइक अच्छे तरीके से सर्विस होगी और उसका इंजन लाइफ भी बेहतर होगा। बाहर आप सर्विस करवाएंगे तो आपकी वारंटी ख़त्म होगी, उसके बाद आपकी बाइक अच्छे से सर्विस नहीं होगी और उसमें प्रॉब्लम आएंगे, तब यहाँ पर अगर आप आते हैं तब उसका खर्चा इस तरह ये ले लेते हैं। जब आप बाहर सर्विस करवाते हैं बाइक या फिर बाहर ओपन करवा लेते हैं, तो जो लोकल मैकेनिक होते हैं वो गलत तरीके से बाइक को आपको खोल देते हैं और छेड़छाड़ करते हैं, तब यहाँ पर अगर आप आते हैं तो आपका चार्ज बढ़ जाता है, क्योंकि इनको अच्छे तरीके से उसको पहले जैसा जर्नल करना पड़ता है। इसलिए आप सर्विस हमेशा एजेंसी पर करवाएं ताकि आपको बेहतर सुविधा मिले और आपकी गारंटी वारंटी दोस्तों वैलिड रहे। और यहाँ पर आपने जान लिया है कि सर्विस कितने किलोमीटर पर कितने दिनों में कराई जाती है, कितना उसका प्राइस लगता है दोस्तों। BS6 बाइक की बात यहाँ पर की गई है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं सर्विस कितने अच्छे तरीके से यहाँ पर किया जा रहा है, कितने तरीके की यहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉनिक मशीनें मिलेंगी दोस्तों, जिसमें आपकी बाइक जो है अच्छे तरीके से सर्विस हो। यहाँ पर देख सकते हैं होंडा साइन सर्विस हो रही है, और वहाँ पर जब लोकल आप सर्विस करवाते हैं तो आपको देखिए यहाँ पर मोबिल किस तरीके से डाला जा रहा है, और बाहर ऐसा डालते हैं कि कम से कम 150 ml आपका बाहर ही गिर जाता है, जिससे आपका इंजन ऑयल कम हो जाता है। लेकिन यहाँ पर अच्छे तरीके से आपकी सर्विस होगी, कोई सर्विस चार्ज यहाँ पर नहीं है दोस्तों। इस तरह 265 रुपये अगर आप BS4 या BS3 कोई भी पुरानी गाड़ी आप यहाँ सर्विस करवा सकते हैं, और बेहतरीन और अच्छे तरीके से। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये जानकारी आपको पसंद आई है, और पसंद आई है दोस्तों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें दोस्तों। और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कोई आपकी राय है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं दोस्तों।